वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ। CBSE की तरफ से न्यूज़ आई थी और उस न्यूज़ को मैंने अपने वर्ड्स में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में रखेंगे। पार्ट वन होगा सिलेबस और पार्ट टू होगा स्ट्रेटजी। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस इस बार आपको पता है रिड्यूस किया है पिछली बार की तरह। कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है, कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। और ये बोर्ड एग्ज़ाम जो इस बार होंगे वो दो टर्म में होंगे, टर्म वन और टर्म टू। टर्म वन होगा नवंबर दिसंबर में और टर्म टू होगा आपका मार्च अप्रैल में। तो फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में आपका टर्म टू होगा। तो टर्म वन की आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ बताऊँगा टर्म वन टर्म टू से रिलेटेड। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट गेट स्टार्ट। तो पहला पार्ट इस वीडियो का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस होगा। तो ये देखिए टर्म वन 40 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। MCQs यहाँ पर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ये होगा। MCQs भी आपका केस स्टडी टाइप MCQs हो सकते हैं और सिंपल MCQs आपके हो सकते हैं। सिलेबस क्या है भाई? चैप्टर वन रिलेशन फंक्शन। इसमें सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आएगी। 1.3 1.4 कट कर दी गई है। 1. मिसलिनियस के सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो 1.1 के और 1.2 के रिलेटेड होंगे। चैप्टर नंबर टू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ 2.1 आएगी। 2.2 कट कर दी गई है और 2. मिसलिनियस में सिर्फ 2.1 वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये दोनों मिला के 8 मार्क्स का है। ये दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स के आपके आएंगे। नेक्स्ट है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में अलजेब्रा यूनिट का मैट्रिसेस पहला चैप्टर है, जो 3.1 3.2 3.3 आएगी। 3.4 एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज कट कर दी गई है। और 3. मिसलिनियस में सिर्फ इन तीन एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिटरमिनेंट्स में 4.1 4.2 कट कर दी गई है। 1 है, 2 कट कर दी गई है। प्रूफ दैट का प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन जो सरदर था आपका वो कट गया है। 4.3 4.4 4.5 4.6 बाकी सब एज इट इज़। और मिसलिनियस में सिर्फ 4.2 वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी सब एज इट इज़ आएंगे। चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों मिला के ये 10 मार्क्स का सिलेबस आपका यहाँ पे बनता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसमें 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 तक आएगी। 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम को यहाँ पे कट कर दिया गया है। और मिसलिनियस के सारे क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ मीन वैल्यू वाले या रोलेस थ्योरम वाले क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसमें 6.1 रेट ऑफ चेंज कट कर दिया गया है। 6.2 आएगी, 6.3 आएगी, 6.4 कट कर दिया गया है। एरर्स वाला अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट कट कर दिया गया है। 6.5 आएगा। 6. मिसलिनियस के सिर्फ 2, 3, 5 के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ मिसलिनियस में आपको देखने को मिलेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 12 इसमें सिर्फ 12.1 आएगी। हालांकि इस पर स्टार बना दिया है क्योंकि इसका हम पूरा पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में उसे केस स्टडी क्वेश्चंस भी देने हैं। तो इसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में सिलेबस में सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है वो 12.1 ही यहाँ पे आ रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आया ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस मैंने आपको ये ब्रीफ करके दे दिया है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नंबर मिल जाएगा। और ये अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट कर लें आप इसे। अब पहला पार्ट यहाँ पर सिलेबस का कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर टू स्ट्रेटजी की हम बात करने जा रहे हैं। 0.1 फोकस ऑन ए कॉन्सेप्ट नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के टाइप पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि ये पार्ट कैसा आया, ये क्यों आया, हर स्टेप क्यों आया, उस पर फोकस करना है। वेदर MCQ और नॉट MCQ हो या ना हो भूल जाओ बिल्कुल। टेक बोथ द टर्म सीरियसली, आपको बोथ द टर्म सीरियसली लेना है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। थर्ड पॉइंट में ट्राई टू कवर एटलीस्ट थ्री चैप्टर ऑफ टर्म वन इन टर्म टू इन टर्म वन ओनली। मतलब सेकंड टर्म के दो चैप्टर आपको टर्म वन में कंप्लीट करना है। समझिए बात को, टर्म वन नवंबर दिसंबर में आप कंप्लीट हो जाएगा, टर्म टू सिर्फ जनवरी फरवरी, दो महीने आपको मिल रहे हैं और बहुत सारा सिलेबस है आपका। एक सेवन चैप्टर इंटीग्रल भी इसमें आ रहा है और अकेला एक महीना ले लेता है सेवन चैप्टर इंटीग्रल। तो एक चैप्टर जब एक महीना ले रहा है तो दो महीने में 50% सिलेबस कैसे हो जाएगा? तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है आपको। टर्म टू का कम से कम तीन चैप्टर आपको टर्म वन में कंप्लीट करके चलना है, तभी जाकर आपका सिलेबस पूरा होगा, वरना आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। प्रैक्टिस MCQ फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड बोर्ड लेवल रिसोर्सेज ओनली। आपको सिर्फ बोर्ड लेवल के MCQs प्रैक्टिस करने हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन बोर्ड लेवल MCQs एंड कॉम्पिटिशन लेवल MCQ। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना बोर्ड लेवल MCQs पे और कंपटीशन लेवल MCQs में कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ बोर्ड लेवल के आपको क्वेश्चंस करने हैं। कीप स्टडिंग एनसीईआरटी एज यू आर स्टडिंग। आप NCERT बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहें जैसे कि आप पढ़ रहे थे। प्रैक्टिस गुड MCQs फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर।
एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें। बाकी मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं रेगुलर, मैं जो मुझसे होगा वो मैं यहाँ करूँगा। MCQ सीरीज़ भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, सारे MCQs आपको कराऊँगा, 100 MCQs आपको पर चैप्टर के यहाँ पे मैं कराऊँगा। और आप ये सब करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।